सो क्वेश्चन दे रखा है कि गोल्ड जो है वो 19 टाइम्स हैवियर है वाटर का, और जो कॉपर है वो 9 टाइम्स हैवियर है वाटर का, और जो बाद में दोनों को गोल्ड और हम कॉपर को मिला लेते हैं जो अलॉय बनता है वो 50 टाइम्स हैवियर है वाटर का। अब बताओ वाटर 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 तीन वैल्यू दे रखी है, तो गोल्ड का 90 टाइम्स है एंड ये 9 टाइम्स है, दोनों को मिला देते हैं। मिक्सचर एनालिगेशन में क्या होता है, जो चीज़ मिलाने के बाद क्या क्या इनका हैवी बन रहा है 15, तो किस रेशियो में मिलाया होगा, तो उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे ये होगा 4, सो यहाँ पे 3:2। तो 3:2 मतलब 3 पार्ट्स गोल्ड के 2 पार्ट्स कॉपर के मिलाएंगे तो जो अलॉय आएगा वो 50 टाइम्स हैवियर होगा वाटर से। सो दूसरा भी तरीका है कि अगर हम वाटर को डब्ल्यू मान लें तो गोल्ड कितना है 19 टाइम्स वाटर का है एंड जो कॉपर है वो 9 टाइम्स वाटर का है, और इसकी क्वांटिटी अगर एक्स इसकी वाई मिला लें, तो सपोज की एक्स क्वांटिटी मिलाई तो इसकी वाई क्वांटिटी मिलाई, तो 19 WX और 90 WY डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू 15 वाटर के बराबर। डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा तो मैं एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकता है यहाँ से भी, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 2:3 जो हमारा पिछला आया था।